नीचे बयान फिर आपने लुक करना है, टच नहीं करना, यू कैन यू हैव टू एक्सपेक्ट द पेशेंट बहुत टेंडर है। मैंने हाथ देखा, नेल देखना सबसे पहले, नेल में क्या फाइंडिंग है, कोई पिटिंग तो नहीं है, सोराटिक पिटिंग तो नहीं है, पेलार तो नहीं है, एनीमिया हर डिजीज में होता है वो देखना आपने। यहाँ पे देखो स्किन में कोई अल्सर वगैरह तो नहीं है, ठीक है, कोई फिंगर शॉर्ट तो नहीं है, ये हो गया। नाखून के बाद आप स्किन में देखो, स्किन में क्या चेंजेस हैं, शाइनी स्किन तो नहीं है, हेयर लॉस तो नहीं है, अगर शाइनी स्किन है हेयर लॉस है तो वो स्क्लेरोसिस की तरफ जाएगा, ठीक हो गया। फिर देख लोगों रैश तो नहीं है आपका, डर्मेटोमाइसिटिस में यहाँ पे रैश आएगा, कॉटन तेल लगाएंगे सारा, ठीक हो गया। और फिर ग्रॉस डिफॉर्मिटी देख लो क्या क्या है इसकी, जिस तरह सी लग रहा है या कोई फ्लेक्शन डिफॉर्मिटीज आ रही है। फ्लेक्शन डिफॉर्मिटीज दो मैकेनिज्म है, आ रहे हैं जॉइंट पैथोलॉजी की वजह से फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी होगी, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस में स्किन की टाइटनिंग की वजह से फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी आएगी, ठीक है। ये आपको लग रहा है कि यार अभी फिंगर्स हैं मेरी डिफॉर्म्ड है, फ्लेक्शन डिफॉर्मिटीज हैं, ये हो गया। सीधा कर लें अपना हाथ, अभी सीधा करने के बाद आपने देखनी है इसकी कोई विजिबल यहाँ पे कोई रैश वगैरह तो नहीं है। थिनर एपोथिनर देखना है, वेस्टिंग तो नहीं है, ये थिनर देख लिया, ठीक है, एपोथिनर देख लिया, सारा देख लिया, हल्की सी लग रही है वेस्टिंग इसकी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है इसकी। अगर आप एमएनडी का देखें ना मरीज, वो उसे खाली धसा हुआ खड्डा बना हुआ, ये देख लिया आपने। अच्छा, इसके बाद आपने देखना है, मैं टच नहीं किया, अब देखना यार ये डिफॉर्मिटीज हैं, रिड्यूसिबल करेक्टेबल हैं या ठीक नहीं है, ठीक। अपने हाथों को इस तरह करें, ये इंस्पेक्शन ही कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे तो रिमिटेड नोड्यूल और सोरियाटिक पैच मैं देख लूँगा कोई क्यों नहीं, ठीक है। साथ अपने हाथों को इस तरह करें, अगर आपका नॉन जो है ना आपके जो हैं जो रिड्यूस करेक्ट हो जाते डिफॉर्मिटीज एस आई वगैरह जिसमें नॉन डिफॉर्मिंग होता है तो आप इसे करेक्ट नहीं होती, ठीक है। हाँ, ये प्रेयर साइन होगा, साथ ही उंगलियाँ सुन तो नहीं हो रही, नमनेस ऐसे कर लें, उल्टा रिवर्स पे साइन कर लिया आपने, ठीक हो गया। आप सारा इधर कर लें, लुक अभी तक मैं टच नहीं, अभी मैं इसको हाथ लगाऊंगा, किसी जोड़ में दर्द तो नहीं आपको, टेम्परेचर तक करूंगा, टेम्परेचर हमेशा एक्सपोज पार्ट का ही करना है, यानी कि मैं यहाँ का कवर करूंगा, यहाँ से मैं यहाँ का इसके यहाँ से कवर नहीं करूंगा, ठीक है, एक्सपोज क्योंकि टेम्परेचर बराबर होगा। ये इसकी बाजू मैंने यहाँ से उठाई है ना, इसकी ऐसे ऐसे किया हुआ है और सर्दी है तो ये ठंडा होगा या वैसे गर्म होगा, तो मैं इसको ख़राब कर लूँगा। तो आपने हमेशा इसको एक्सपोज एरिया से करना है, बेशक ये एक्सपोज है तो यहाँ से कर लो, हमेशा ये आप देख लेना, ठीक है। टेम्परेचर अंडर चेक कर लिया, टेम्परेचर चेक कर लिया, वॉर्म्स वगैरह ये देख लिया आपने सारा, ठीक है। उसके बाद आपने एक एक जॉइंट पे करनी है टेंडरनेस, आप किसी जोड़ में दर्द तो नहीं है, ये करके हाथ उठाऊंगा, ये आपने करना, इतना प्रेशर दें कि आपकी उंगली का ये कलर चेंज हो, ठीक है। ये रिस्ट किया आपने, फिर आपने ये साइड से नहीं करना रिस्ट को, ये ऐसे ऐसे कुछ लोग ऐसे करते हैं, ऐसे दबा देते हैं, कहीं तो कहते हैं ऐसे कर दो भाई, ये थोड़ा सा मेरा ख्याल है जेंटल नहीं है, तो ये मुझे रूमेटोलॉजिस्ट ने कहा था आप इस तरह करें, ठीक है। ऐसे ये उंगलियाँ दो इधर और ये इधर, ठीक है, इससे मैं इधर से यहाँ प्रेशर कर रहा हूँ, ये ऊपर से आ रहा हूँ, ये हो गया। एक जॉइंट यहाँ दर्द आपने, क्योंकि आ रहे हैं तो स्कोरिंग करनी है आपने, तो आपने देखना ये दर्द, ये जॉइंट, ये जॉइंट, ये जॉइंट, ये जॉइंट, एक जॉइंट करना है जो आपकी आ रही है ना, डिस्टल जॉइंट को स्पेयर करती है, डीआईपी को और सोरियाटिक उसको प्रेफरेबली इन्वॉल्व करती है, वो देख लेना आपने। ये सारा आपने करके, ये आपने सारा इसकी एक जॉइंट की टेंडनेस चेक कर ली सारी इसकी सारी, ठीक है। इसके बाद आपने जो करनी है इसका, हमने कर लिया इंस्पेक्शन, हमने कर लिया पल्पेशन, अभी हमने कर लिया इसकी मूवमेंट्स। अपने हाथों को बंद करें, ऊपर करें, सामने ऐसे बंद करें, खोलें, मुट्ठी नीचे करें, मुट्ठी ऊपर करें, रेडियल नर्व ठीक है, मुट्ठी ऊपर करें, उंगलियाँ खोलें, उंगलियाँ बंद करें ऐसे, अल्नर नर्व ठीक है, मुट्ठी बंद करें, अल्नर नर्व बुढ़ी होगी तो ये बंद नहीं होगी, ठीक है। ऐसे कर लिया तो रेडियल नर्व ग्रॉसली इंटैक्ट है, ठीक है, ये हो गया मेरा, खोल लिया उंगलियाँ आपने। इसके बाद आपने रूमेटोलॉजिकल एग्जामिनेशन को समटाइम हम कन्फ्यूज करते हैं कि मोटर सेंसरी जो होता है लोअर लिंब का, यार सेंसरीज करने या नहीं करने हमने, देखो रूमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर है मसला जोड़ों में। आपने हाथ सीधे करें, आपने पिन प्रिक आँखें बंद करेंगे, मुझे कुछ फिक्र रहता दे दें, ये महसूस हो रही है, आँखें बंद करें, यहाँ पे मीडियन नर्व, अल्नर नर्व और रेडियल नर्व, ये करनी है नर्व, ठीक है, ये कर लिया। और कॉइन दें, कॉइन पकड़वा लें, ये फंक्शन स्टेटस है, उंगलियों को ऐसे ऐसे करें आप, और ये पावर जो है ना, ये जॉइंट जोड़ों के मरीज टेंडर होंगे उनसे आप ये करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, मतलब उसको तो वैसे आप इतना पेन करवा रहे हैं, तो ये दो चीज़ें अक्सर हम कंफ्यूज कर देते हैं कि हम ना, हम जो न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है हमारे सामने, ये करना, ये करना, ये करना, ये करना। आपने लुक किया, फील किया, पल्पेट किया, फिर आपने ये मूवमेंट कराई कि यार ग्रॉसली रेडियल ठीक है, मीडियन ठीक है, क्योंकि आपका जो है वो मीडियन ठीक है कि आपका वो ये अपोजिशन हो रही है, ये मीडियन का एक एक्शन ये कर लो, रेडियल के लिए ये कर लो, मीडियन के लिए ये कर लो, अल्नर के लिए ये कर लो, या मुट्ठी बंद करोगे तो अल्नर ऊपर आ जाएगी, अल्नर नपास ये तो ग्रॉसली नर्व इंटैक्ट है। सेंसिटिव चेक कर लो कि इंट्रैपमेंट न्यूरोपैथी तो नहीं है आपकी रेडियल वाली, ठीक है। ये सारे करके आप में ये सारे हाथ के तकरीबन एक बार पॉइंट पकड़वा लो, या बटन खोल लें, बंद कर लें, फंक्शनल स्टेटस। इसके बाद आपने बाकी जॉइंट ग्रॉसली देखने, अपने हाथों को इस तरह कर लें तो आपका ये वाला जोड़ हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। कदम को नीचे करें क्योंकि आरए में आपकी ये जॉइंट इन्वॉल्व होता है। मुंह पे एनीमिया कॉमन है और अभी ये हाथ का खत्म हो गया, हाथ का ही खत्म है। किसमें है रूमेटॉइड में होता है,
पाम में रिमेटेड हार्ड डिपेंडेंट टेक्सचर है उसकी कुछ नहीं है अब फ्रंट ऑफ पाम में देख लो नहीं आप नहीं नहीं इसकी टिपिकल काज है ये डिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्चर होता है चलो आप इसको चलो चलो इसमें पाम में फेयर एडिशनल इफ एनीवन कैन ऐड एनीथिंग मेरे में ये चीज़ें आ रही हैं स्किन पिंचिंग कराएंगे स्किन पिंचिंग हाँ यस क्योंकि मैंने शुरू में डिस्कस किया था आपने पल्पेशन में स्किन पिंच कर लेनी है यहाँ पे करनी है डिफॉर्मिटी है आपने डिफॉर्मिटी नहीं जो लिमिटेड है वो यहाँ पे होगी और गर्दन पे होगी स्टर्नम पे नहीं होगी डिफॉर्मिटी आपने लिखा है बटनेर डिफॉर्मिटी है इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं या स्वान नेक होगा या बटन ईयर है स्वान नेक में यहाँ पे आपकी एक्सटेंशन होगी यहाँ फ्लेक्शन होगी ये बटन ईयर है बटनेर है ये भी बटन ये बटन ये दोनों बटन ये भी बटन ईयर है ये भी बटन ईयर है इसमें अंदर डिवीजन होती है इसमें वो इनकी लग नहीं रही मुझे नहीं है सब लक्सेशन इसकी नहीं ऐड कर दूं आप लोगों ने जब हमने हैंड का एग्जामिनेशन करना है ना तो उसमें जो क्लियर कट फाइंडिंग जो है ना जो डिफॉर्मिटी उसको मेंशन करना है अगर किसी ने सपोज ये जो है ना ये आपकी बटन होल डिफॉर्मिटी नहीं है अभी बन रही है ये कम्प्लीट है इसमें एक्सटेंशन है डिस्टल पे यहाँ पे फ्लेक्शन है पार्शियल कहेंगे क्या उसमें आप नहीं कहेंगे सिर्फ फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी है फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी अगर आपने कह दी बटन होल है तो उनके कहना है कहाँ है एक्सटेंशन जो भी हो उसको उस तरह को रिलेट कर लेगा स्वान नेक तो फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी ऑफ द डिस्टल इंटरफेरेंशियल और एक्सटेंसर इस तरह बोलना ये नहीं बोलना कि ये वाली डिफॉर्मिटी ना नहीं वो तो नहीं पता बेसिकली दम हो गया फंस जाते हो आप हमने बस स्टेप बताओ नहीं अगर आप कॉन्फिडेंट हो एक्टिव से हां एक्टिव नंबर जो करवानी होती है ना जो आप अगेंस्ट पावर वो सारा वो मोटर एग्जामिनेशन में आ जाता है आपका अब देखो यू एक्सपेक्ट आर ए पेशेंट सारी अगर टू बी टेंडर ये सारी ठीक है तो कुछ इसमें क्या इंफॉर्मेशन देंगे आप नहीं देगा उसके लिए आपने इन दो के दरमियान में यहाँ टैप करना होता है हाँ। ये जो आपका है टेनर है अपने दिमाग में यहाँ पे करने की जरूरत है एक मिनट तुम्हारा फेलन भी चला जाएगा फेलन यही है ना हाँ फेलन प्रेयर साइन हम करेंगे ना वैसे रिवर्स प्रेयर रिवर्स प्रेयर एक मिनट तक रखे तो मैंने कहा एक मिनट तो दिया टेनर साइन ऐड कर लें मीडियन नाप के साथ आप टेनर साइन ऐड कर लें ऊपर आए हाँ ये कर लिया ये कर लिया अच्छा आंखों में अनीमिया देखना है आपने नंबर वन नंबर टू मुंह में यहाँ पे अक्सर ये होता है कि पेशेंट का होता है वो MCTD यहाँ पे रैश आ सकता है उस तक SLE प्लस आ रहे हो ठीक है ये देख लिया पकरिंग देख ली बिग नोज देख लिया आपने यहाँ स्किन टाइटनिंग देख ली इसके बाद आपके दो स्टेम इंपॉर्टेंट है चेस्ट और एब्डोमेन चेस्ट में क्रैप्स ILD के और एब्डोमेन में फैल्टीज का स्प्लीन अगर आ रहे हैं और बाकी पाँव में सिमिलर कार्डियो में AR है लेकिन यार इतना टाइम नहीं मिलेगा भाई और इतना कॉमन ILD वेरी कॉमन हो तो पिक नहीं होता किसी एग्जामिनर से जो ILD पिक होने वाली चीज है प्रॉक्सिमल मायोपैथी बस ये मायोपैथी बहुत इंपॉर्टेंट है जोरसम से क्या दो तरह से सकती है रूमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर इटसेल्फ पॉलीमायोसाइटिस डर्मेटोमायोसाइटिस की एसोसिएशन MCTD में वो और कई बार आ रहे कि पेशेंट स्टेरॉइड ले रहे होते हैं तो प्रॉक्सिमल मायोपैथी होती है तो प्रॉक्सिमल मायोपैथी लाजमी करनी है बस खत्म बस ये चीज़ें